हेलो, मैं डॉक्टर प्रियंका हानन और मेरी सिस्टर ज्योति आज आपको कुछ स्टेरिलाइजेशन के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं कि माँ का दूध बच्चे के पोषण के लिए बहुत ही आवश्यक है, बट ऐसी कुछ माएँ होती हैं जिनको दूध सफिशिएंट मात्रा में नहीं आता है। इन दैट केस, जब माँ को दूध सफिशिएंटली नहीं आता है या कम आता है, तब हम माँ को उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि या तो वो हमारा अपना दूध निकाल सकते हैं, जिसे हम एक्सप्रेस्ड मिल्क कहते हैं, या द लास्ट ऑप्शन इज पाउडर मिल्क देने की जरूरत पड़ सकती है जब माँ को दूध सफिशिएंट प्रोपोर्शन में बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। तो जब हमें पाउडर का दूध देने की जरूरत पड़ती है, इन दैट केस हमें एक प्रोसेस है जिसे हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, हमें वो फॉलो करने की जरूरत है, ताकि हम चाहते हैं कि बच्चे को सही मात्रा में दूध मिले और सही तरीके से दूध मिले। स्टेरिलाइजेशन कैसे करना चाहिए, इसके क्या तरीके हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, इस डिटेल्स के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। सिस्टर ज्योति हमें इस बारे में जानकारी देंगे। इसे हम स्टेराइल मशीन बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिक है, जिसको हम लोग नॉर्मली इसके यहाँ पे नहीं, नीचे के साइड में इसे पानी से बॉटल से पानी डालना रहता है, जो हम लोग लिमिटेड मात्रा में डाल सकते हैं। इसके दो पार्ट्स रहते हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोग छोटे छोटे स्पून रख सकते हैं, छोटे छोटे बाटी रख सकते हैं एंड निप्पल रख सकते हैं। देन सेकंड पार्ट में हम लोग जो बड़े बॉटल्स रहते हैं, जैसे कि फिटिंग बॉटल्स रहते हैं, मेजरिंग कप रहते हैं, छोटे छोटे बाटी रहते हैं, जो स्पून रहते हैं, देन बाटी रहते हैं, हम लोग उसको रख के यहाँ पे स्विच दिया गया है जिसको ऑन किया जाता है। देन उसको 5-10 मिनट्स तक हम लोग को स्टीम करना रहता है। बहुत सारे मशीन अपने आप से बंद हो जाते हैं, या तो फिर कोई कोई मशीन ऐसे रहते हैं जो हम लोग 10 मिनट्स काउंट करके उसको बंद कर सकते हैं। अगर आपके पास होम स्टेरिलाइजेशन की सुविधा नहीं है, इन दैट केस आप अपने घर में नॉर्मल चूल्हे पे या गैस पे होम स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। इस प्रोसेस के लिए हमें एक स्टील के बर्तन की ज़रूरत है, जैसे ये पतीला है, तो इस स्टील के बर्तन में हम पानी डालेंगे। सबसे पहले इस पानी को हम बॉईल होने देंगे, सो वी विल हम रुक जाएंगे जब तक ये पानी पूरी तरीके से बॉईल हो जाता है। सो 10 से 15 मिनट के बाद जब पानी बॉइलिंग टेम्परेचर पे आ जाता है, तब हमें ये स्टील की बाटी इसके अंदर डालनी है। सो एंड स्टील की स्पून हमें इस पानी के अंदर डालनी रहेगी। इस पानी को और 10 से 15 मिनट बॉईल करने की ज़रूरत है, कम धीमी आंच पे। एक बार हमें लगता है कि हमारा स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तब हम गैस बंद कर सकते हैं और इसे ठंडा होने दे सकते हैं। इसमें हम 6 छोटी वाटी रख सकते हैं, 6 चम्मचे रख सकते हैं। अब बच्चे को दिन में हमें 10 से 12 बार दूध देने की ज़रूरत रहती है। अगर हम ब्रेस्ट फीड कर पा रहे हैं 5 से 6 बार, तो बाकी के समय हम फॉर्मूला फीड दे सकते हैं। उस दौरान इस पतीले में जो वाटी है, हम एक एक कर एक क्लीन कंटेनर, क्लीन पकड़ से ले सकते हैं और उसमें हम हमारा फॉर्मूला मिल्क बना सकते हैं।